हे किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज शिखा, वेलकम टू शेवी केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो बच्चा पार्टी, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 1 मंथ में जेई एडवांस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए, टॉपिक तो बहुत ही सीधा सा है और मेरे पास बहुत सीधे सॉल्यूशंस भी इसके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बच्चे आप लोगों को ही करना पड़ेगा, और किस तरीके से करना है ये भी आपको ही देखना पड़ेगा। देखो, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। मैं आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेरीज मेरे पास आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो चलिए आपको ये डाउट भी सॉल्व कर देते हैं आपका। सबसे पहली चीज़ बच्चे, आप अभी तक मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हो, तो मैं मान करके चल रही हूँ आपका बेस जो है वो एकदम मक्खन की तरह होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, देखो, एडवांस और मेंस में बहुत फ़र्क होता है बच्चों। एडवांस अपना लेवल जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप तीन तरीके, ये तीन चीज़ें आप फॉलोअप करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट हो जाएगी, आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। ठीक है, ये शिखा मैम आपको कह रही है। तो नंबर वन चीज़ होगी, सबसे पहले तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए, ये बात मैं पहले कह चुकी हूँ। दूसरा, आपको रिएक्शन की कंडीशंस अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई भी रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, अगर इस कंडीशन से बाहर जाएगी तो रिएक्शन का क्या होगा, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है, ये सारी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, उस रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन में किस रिएजेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो या किस कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हुए भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात मैं आपको बोलूँगी, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटीज खोजने की कोशिश करें, किया करो, क्योंकि दिस इज़ द मेन फैक्टर जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने में हेल्प करती है। जब तक आप अपने लिए कॉन्सेप्ट को तैयार नहीं करोगे, बुक में लिखा हुआ पढ़ते चले जाओगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, आपके माइंड डेवलप ही नहीं हो पाएगा एडवांस तक के लिए। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी भी खोजा करो। ठीक है, मेजर कौन सा बन रहा है, माइनर कौन सा बन रहा है, एडवांस में माइनर भी पूछते हैं, ये बात ध्यान रखना। मेजर बन रहा है कौन सा, माइनर कौन सा बन रहा है, दोनों में से स्टेबल कौन है, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट इस कंडीशन पे बन रहा है, एसिड का अटैक हुआ तो ये बन रहा है, बेस का होगा तो क्या बनेगा, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के साथ जाओ, नंबर ऑफ केसेस सर्च करो उस क्वेश्चन के अंदर, और आपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अप्लाई करके देखो बच्चों, उनकी एप्लीकेशंस निकालने की कोशिश करो अपने माइंड से। देखो, एडवांस बच्चों बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, एडवांस वालों का लेवल बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने, हमें पता है कि पेपर अच्छे खासे लेवल का आएगा, तो आप उस लेवल तक अपने आप को तैयार रखें। कल से आपका इस चैनल पे जेई एडवांस के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हर वीडियो के नीचे नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाया करेगा, आगे से नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे अब तक 20 DPPs फॉर जेई एडवांस अपलोड हो चुके हैं, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। DPPs में बहुत मेहनत लग रही है बच्चों, तो इसलिए DPPs ज़रूर करो। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए बेसिकली आपको करना है। तो कल मिलेंगे और धमाकेदार आपको एक इंट्रो देते हैं ऑर्गेनिक के, एडवांस के ऑर्गेनिक का, तो कल के सेशन में 12 PM आप ज़रूर मिलिएगा मैम को। ओके, चलिए, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना बच्चों।